हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन कैन नॉट बी ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। टू, हीट फ्लो नेवर टेक्स प्लेस फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्सटर्नल वर्क ऑन द सिस्टम। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा कि जो एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन कैन नॉट बी ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, बिल्कुल सही है। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी, कोई भी हीट इंजन जो कि टेम्परेचर, दो टेम्परेचर्स पे ऑपरेट कर रहा हो, T1 टेम्परेचर हमारा सोर्स का टेम्परेचर हो, हॉट रिजर्वायर, और T2 हमारा टेम्परेचर हो जो कोल्ड रिजर्वायर सिंक होता है, ठीक है। तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी हमारी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कार्नोट थ्योरम की डेफिनेशन थी, एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन कैन नॉट बी ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मैं देखा, हीट फ्लो नेवर टेक्स प्लेस फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्सटर्नल वर्क ऑन द सिस्टम, ये भी सही है। जो हमारा नेट हीट फ्लो होता है, नेट हीट फ्लो हमेशा हमारा हायर से लोअर होता है, ठीक है। जो बॉडी हमारी हायर टेम्परेचर पे है वहां से हमारा फ्लो होता है बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारी जो नेट हीट फ्लो होती है हमेशा वो बॉडी एट हायर टेम्परेचर से बॉडी एट लोअर टेम्परेचर होती है, ठीक है। अगर हमें लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी का हेल्प लेके करवा सकते हैं। हम कुछ एक्सटर्नल वर्क ऑन द सिस्टम करके हम लोअर से हाई कर सकते हैं, लेकिन विदाउट परफॉर्मिंग एन एक्सटर्नल वर्क ऑन द सिस्टम हमारी नेट हीट हमें कभी भी लो से हाई फ्लो नहीं होगी, हमेशा बॉडी एट हाई टेम्परेचर से बॉडी एट लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है, ठीक है। लेकिन विद यूजिंग सम एक्सटर्नल वर्क और एक्सटर्नल एजेंसी वी कैन डू दैट, लेकिन लो से हम हाई कर सकें, लेकिन विदाउट, इसमें देखना विदाउट परफॉर्मिंग एन एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। तो विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्सटर्नल वर्क हमेशा हमारा हाई से लो ही होता है, ठीक है। जो नेट हीट फ्लो होगा, हाई बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर, तो सेकंड भी सही है, हम बोल सकते हैं बोथ 1 एंड 2। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।